नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं फास्ट समाचार। शिवपुरी के नागरिकों को तमाम समझाइश देने के बावजूद लॉकडाउन तोड़े जाने की वजह से अब पुलिस और प्रशासन सख्त हो गया है। आज से तहसीलदार के नेतृत्व में टीम ने बेवजह बाजार आए लोगों पर बाउंड ओवर की कार्यवाही शुरू कर दी है और धारा 107/116 के तहत 18 लोगों पर मामला दर्ज किया है। मौके पर मौजूद एसडीएम ने बॉन्ड भरवाकर इन्हें छोड़ा। इस कार्यवाही का पॉजिटिव संदेश शहर में गया और लोग 12 बजे के बाद अब शायद ही निकलें। सर, लॉकडाउन के दौरान कुछ लोगों को पकड़ के बाउंड ओवर किया, क्या है सर, कितने दिन के लिए किया? ये 12 बजे के बाद ये लोग अनावश्यक रूप से यहाँ माधव चौक पर घूमते हुए पाए गए बाइक से। ऐसा लग रहा था कि ये लोग मस्ती करने के लिए आए थे, कोई पक्का कारण नहीं था इनके पास कि ये क्यों घर से बाहर निकले हैं। ऐसी स्थिति में जो है इनको 116 में इनको रखा गया है। आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी? बिल्कुल जारी रहेगी। नियंत्रण रखना है कि लोग घर से बाहर ना निकलें, लॉकडाउन में घर पर रहें। यदि इसका पालन नहीं करते हैं तो बेजबर ये कार्रवाई जारी रहेगी। कितने लोगों को बाउंड ओवर किया सर? 19 लड़कों को आज यहाँ जो पकड़ा गया है, जो अनावश्यक रूप से घूम रहे थे, उनको बाउंड ओवर करके 16 तारीख लगाई गई है। ये बंद पत्र संपादित करेंगे तो क्या लगेगा, यदि फिर पकड़ में आते हैं तो फिर उनके खिलाफ आगे का प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा।